दिस इज़ पूजा सक्सेना, वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। और हिंदी पैडागोजी के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अगला कौशल। कल हमने भाषाई कौशलों के विकास में पहला कौशल, जिसका नाम है सुनना अर्थात श्रवण कौशल, इसका अध्ययन किया था। अब हम आज दूसरा कौशल कथन कौशल, जिसका नाम है बोलना, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। श्रवण कौशल हमने बताया था कि यह एक प्रकार का ग्रहणात्मक कौशल है, और ग्रहणात्मक कौशल के साथ साथ यह एक मानसिक क्रिया भी है। शारीरिक क्रिया होते हुए मानसिक क्रिया भी है। श्रवण कौशल के विकास में हमने आपको बताया था कि यह कौशल तीन प्रकार का होता है, अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण और विश्लेषणात्मक श्रवण। अवधानात्मक श्रवण में हमने बताया था कि सूत्रों को, नियमों को, निर्देशों को सुनना। रसात्मक श्रवण में सुनते हुए आनंद की अनुभूति करना। और विश्लेषणात्मक श्रवण में सुनने के विचारों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना, अर्थात कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे की बात करते हैं हम अगला जो कौशल है, जिसका नाम है कथन कौशल, जिसका सही रूप कहलाता है बोलना। तो बच्चों, कथन कौशल एक प्रकार का उत्पादक कौशल है। कथन कौशल एक प्रकार का उत्पादक कौशल है। उत्पादक अर्थात हम इसे प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति करते हैं इसके माध्यम से भाषा की। कथन कौशल को भाषण कौशल भी कहते हैं। भाषण का अर्थ होता है बोलना। भाषण का जो सही अर्थ होता है वो भाषण का जो सही अर्थ होता है वो होता है बोलना। अर्थात हम बोलकर जब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह कथन कौशल, भाषण कौशल कहलाता है। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भाषण कौशल है, कथन कौशल है, एक तरह का उत्पादक है, और इसका स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है, अर्थात ध्वनि वाला होता है। ध्वनि के उत्पादन में जो वागिंद्रियाँ काम आती हैं, यानी कि हमारे स्वर यंत्र काम आते हैं, उनका नाम है जीवा, कंठ और ओष्ठ, यानी कि होंठ। ठीक है, वार्तालाप, व्याख्यान, प्रवचन, आदेश, निर्देश, ये आपके पठन कौशल, कथन कौशल के रूप हैं, यानी कि भाषण कौशल के रूप हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति वार्तालाप के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, आदेश के माध्यम से और निर्देश के माध्यम से बता सकते हैं। बालकों में कथन कौशल का विकास करने का जो मुख्य उद्देश्य है भाषा शिक्षण के अनुसार, वह यह है कि शिक्षार्थी शुद्ध बोल सकें, स्पष्ट उच्चारण कर सकें, स्वाभाविक एवं प्रवाह युक्त वाणी में वार्तालाप कर सकें और भाषण की क्षमता को अर्जित कर सकें, या भाषण या बोलना सीख सकें। बोलने में जो एक उद्देश्य होता है बालक के लिए, वो ये होता है कि भावों के अनुकूल वो अपनी बात कह पाएँ, यानी उचित आरोह अवरोह का यूज़ करें, बल और अनुतान का यूज़ करें और इसी तरह अपनी बात की मौखिक अभिव्यक्ति कर सकें। यह आपका है कथन कौशल। कथन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति के भी रूप होते हैं, जैसे श्रवण कौशल के रूप होते हैं। देखते हैं, हम मौखिक अभिव्यक्ति को भी दो रूपों में बांट सकते हैं। पहला होता है अनौपचारिक रूप और दूसरा है औपचारिक। नाम से स्पष्ट है, अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो औपचारिक माने फॉर्मल या फॉर्मेलिटी, ऐसी मौखिक, ऐसा कथन जिसे हम फॉर्मेलिटी के लिए यूज़ करते हैं या ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल माने जहाँ कोई औपचारिकता नहीं है, अनौपचारिक रूप है, हम कभी भी कैसे भी बात कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको सही रूप में। अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक कथन कौशल की या भाषा की, तो अनौपचारिक रूप भाषा का जो होता है वो घर परिवार में बोला जाता है, हाट बाजार में बोला जाता है, यानी कि ऐसी जगह बोला जाता है जहाँ किसी प्रकार की भाषा को बोलने की लिमिटेशंस नहीं होती। यात्रा के दौरान बोल सकते हैं, खेल कूद में बोल सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी अनौपचारिक रूप में ही बातचीत करते हैं। ऐसी बातचीत जो ऐसी होती है जिसमें कोई लिमिट ना हो, कोई लिमिटेशंस ना हो, वे सभी अनौपचारिक भाषा कौशल कहलाते हैं, कथन कौशल कहलाते हैं। ठीक है, इसमें वाक्य विन्यास या सिंटैक्स बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं होता, यानी ग्रामर यूज़ तो होती है पर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक ग्रामर का यूज़ अनौपचारिक कथन में नहीं होता। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं औपचारिकता की या औपचारिक कौशल की,
तो बच्चों औपचारिक कौशल के अंतर्गत आपको सीमाबद्ध विषय वस्तु का प्रयोग करना पड़ता है, वाक्य विन्यास का प्रयोग करना पड़ता है, शुद्धता व्याकरण का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए यह दो प्रकार का होता है। आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी भाषा कौशल औपचारिक है तो वहाँ वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, यानी औपचारिक भाषा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। साहित्य में हो सकती है, व्यावहारिक चीज़ में हो सकती है। साहित्य माने आप कहानी पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन होगा। नाटक पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन होगा। कविता पाठ कर रहे हैं, लिमिटेशन होगा। भाषण का भी एक लिमिटेशन होगा कि उसका एक रूप होगा, एक निश्चित होगा, एक संरचना होगी। इसी प्रकार अगर हम व्यावहारिक की बात करें, व्यावहारिक रूप में भाषण कौशल का जो रूप देखा गया है, जैसे किसी का धन्यवाद करना, या किसी को कोई एप्लीकेशन लिख कर देना, या शिष्टाचार रूपी शब्द बोलना, ये सारे लिमिटेशन वाले रूप हैं भाषा के। इसलिए इन रूप को औपचारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? औपचारिक। अर्थात आपके जो कथन कौशल है, इसके दो रूप होते हैं। पहला होता है आपका औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि आप घर परिवार या कहीं खेल कूद या मित्रों के साथ जो बातचीत करते हैं वो अनौपचारिक होती है, और आप किसी समय सीमा से प्रयुक्त कोई कहानी, एकांकी, नाटक या पढ़ाई की विषय वस्तु जो बोल सकते हैं आप, वो औपचारिक होती हैं। चलिए एक इसको डायग्राम के अनुसार देख लेते हैं। चलिए मौखिक अभिव्यक्ति के रूप, अगर डायग्राम से आप समझें कि उदाहरण में क्या आएगा, औपचारिक में कौन कौन सी आएंगी, अनौपचारिक में कौन कौन सी आएंगी, तो जान लेते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के रूप। तो बच्चों मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है, पहली अनौपचारिक, दूसरी औपचारिक। अनौपचारिक तो आप घर परिवार या कहीं भी बोल सकते हैं, बिना सिस्टम के बोल सकते हैं। लेकिन औपचारिक भाषा के दो रूप होते हैं, पहला रूप साहित्यिक होता है, दूसरा रूप व्यवहारिक होता है। साहित्यिक रूप के अंतर्गत आ जाते हैं आपके वर्णन करना किसी कथा का, कहानी कहना, संवाद कहना, एकांकी नाटक कहना, कविता पाठ कहना, भाषण कहना, वाद विवाद कहना, ये सब भाषा के औपचारिक रूप हैं और औपचारिक के साथ साहित्यिक रूप हैं। जबकि भाषा के व्यवहारिक रूप में आप सामाजिक दायित्व को निभाते हैं, और व्यवहारिक रूपों के अंतर्गत किसी प्रकार का धन्यवाद करना, किसी प्रकार की एप्लीकेशन लिखना, किसी प्रकार का स्वागत गीत गाना या किसी प्रकार का स्वागत शब्द कहना, परिचय शब्द कहना और संवेदना या भावों का प्रकटीकरण, ये भाषा के औपचारिक व्यवहारिक रूप हैं। बच्चों हमने दो कौशल पढ़ लिए, एक श्रवण कौशल और एक आपका कथन कौशल। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आगे के दो कौशल पढ़ेंगे और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ लगाएंगे। धन्यवाद।